ठंड बहुत हो रही है, इस ठंड में क्या करा जाए? कुछ काम वाम तो घर का चल नहीं रहा। बात तो तुम्हारी सही है, काम चल ही नहीं रहा, काम हो ही नहीं रहा है इतनी। हाँ। तो सब खाली बैठे हैं। हाँ। इसीलिए कुछ आज कुछ कहानी सुना दी जाए बच्चों को। क्या कहानी हो जाए? हाँ, आज कहानी, तो कहानी में क्या फिर टाइम पास हो जाए? हाँ, टाइम तो पास। तो तुम लोग भैया सबकी राय है कहानी एक हो जाए आज? हाँ, हो जाए भैया। चलो भाई आज एक कहानी सुनी लो। सुनाइए भाई, सुनाइए भाई। एक कहानी बहुत बढ़िया है, अगर आपको अच्छी लगे तो पीछे बोलते रहना कि यार ठीक है। तो चार शेख चिल्ली थे, आपस में चारों सगे भाई थे भाई। तो शेख चिल्ली तो आपस में चारों भाई थे और सगे भाई। तो गरीबी का आलम था, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा पड़ोस वाले गांव में चले जाओ, घी ले आओ जाग। तो क्या अच्छा ठीक। एक को पड़ोस वाले गांव भेज दिया घी लेने, भैया घी लेने भेज दिया। दूसरे को क्या कि बेटा तुम जो हो ये घर की बकरियां जो हैं इन्हें चरा लाओ जाग। दूसरा बकरी लेके चला गया। तीसरे से कहा कि भैया खेत से जो है तुम कुछ चारा ले आओ कि जानवरों के शाम को चारा हो जाए। चौथे से कहा कि भैया तुम भी चले जाओ कहीं। तो कहला अम्मा हम कहाँ चले जाएं? तो उसने कहा, अम्मा बोली ये भैया कहीं चले जाओ शाम को कुछ ईंधन ईंधन हो। तो चौथा वाला ईंधन लेने चला गया। तो पहला शेख चिल्ली जब गाँव गया तो घी उसने कहा कि हमें घी दे दो। तो उसने पड़ोस वाले गाँव ने एक औरत ने उसको घी दिया, पिपिया में भर के उसने घी इतना ढेर सारा उसने दिया। तो उसने सोचा कि यार घी तो बहुत ज्यादा है। तो उसने थोड़ी दूर चला, उसने घी का ढक्कन ऐसे करके जो खोला तो उसमें देखता उसका मुंह दिख रहा। अरे उसने कहा ये तो भूत आ गया भैया, इसमें घी में भूत आ गया। तो उसने घी जो था उठा के एक नदी में फेंक दिया और खाली हाथ जो था वो चल दिया अपने घर पे, चलता रहा। दूसरा वाला से चिल्ली जब बकरियां जो था वो खेत में चराने पहुंचा, बरसात के भैया दिन थे, वो जो था एक नदी किनारे न वो कुआं था, कुएं किनारे बकरियां चरा रहे थे और उस कुएं में जो थे मेंढक टरपो 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 टरपो। तो शेख चिल्ली जो था बड़ा खुश हुआ, उनने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया कब्बाली हो रही, ना हो इन कब्बालों को कुछ इनाम दिया जाए। तो उसने एक बकरी थी उठा के कुएं में डाल दी झम देसी। जब मेंढकों को चोट लगी तो मेंढक बहुत तेज चिल्लाने लगा टरपो 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 टरपो। तो उसने कहा यार जो तो बड़ा खुश हो गए, इनाम और कुछ दिया जाए। तो भाई उसने एक बकरी उठाई डाल दी, फिर एक उठाई डाल दी, फिर एक उठाई डाल दी, सारी बकरियां उसने कुएं में डाल दी। और मेंढक चिल्लाते चिल्लाते जब बकरियां ज्यादा हो गई, मेंढक बेचारे दब गए। तो कहने लगा अब कब्बाल लोग मेरे इनाम से खुश हुए। तो उसके बाद में सब बकरी जब कुएं में डाल दी खाली हो गया तो वो भी घर चल दिया। उसने कहा चलो अम्मा का आज बताएंगे कि बहुत बढ़िया कब्बाली हो रही थी, हमने सारी बकरियां थी वो इनाम में दे दी। तो अब आई तीसरे की बारी। तीसरे को माँ ने भेजा था जानवरों के लिए घास लेने के लिए कि कुछ घास आज लिए जाए। तीसरा शेख चिल्ली जब वो घास छीलने लगा तो छीलते छीलते खुरपी से जब घास छीली उसके नीचे एक पत्थर पड़ गया। तो शेख चिल्ली सोचा कि यार मेरी खुरपी में से आवाज आने लगी, इसके मतलब यहाँ पे कुछ खजाना है। वो बहुत खुश हो गया, कहना अब तो हमको खजाना मिल गया और अम्मा के जाको हम इनाम देंगे। पत्थर जो उसने खुरपी के नीचे टकराया तो वो पत्थर को लेके और उसने उस पत्थर को खोद लिया और बड़ा खुशी खुशी कहने लगा चलो अपनी माँ को देंगे, जिस सोने का एक हमको डेला मिल गया और हम इसमें जो है पूरा घर लखपति हो जाएगा और बड़े मालदार हैं। बड़ा खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके बाद में चौथा शेख चिल्ली जो था जो गांव में ईंधन और कुछ खाने के लिए इंतजाम के लिए पहुंचा तो उसने कई लोगों से आवाज दी। गांव के अंदर जब पहुंचा उसने कहा हम लोग बहुत गरीब हैं, कमजोर हैं और हमारी मदद करे जाए। तो कुछ लोगों ने उसको लकड़ियां दी और
कुछ लोगों ने उसको कुछ अनाज दिया, जिसमें जो भी कुछ रहा हो, गेहूं चावल आटा, तो वो चल दिया, उसने झोली में डाला और वो शेख चिल्ली भी अपने घर के ओर चल दिया कि उसने कहा चलो आप अपनी माँ को ईंधन देंगे, वो ईंधन लाए हैं, वो आटा लाए हैं, शाम का जो है इसमें गुजारा हो जाएगा। तो वो शेख चिल्ली जब रास्ते में चला तो गांव से उसकी दूरी काफी थी, तो उसने सोचा रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिल गया, तो उसने कहा कि यार पैदल चलते चलते आज दिन भर थक गए, माँ ने भेजा था ईंधन के लिए, और फिर क्या हुआ? अरे फिर हुआ क्या यार दोस्त, उसे रास्ते में घुड़सवार मिल गया, तो उसने सोचा कि हम थक तो बहुत ज्यादा गए हैं और इस घुड़सवार के ऊपर हम भी बैठ ले, तो घुड़सवार बोला कि भाई हम अपनी सवारी पे तुम्हें तब बैठा लेंगे जब आप हमको कुछ दोगे। तो शेख चिल्ली बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा देने के लिए मेरे पास है ही क्या, आज ईंधन है और अनाज है, तो उसने कहा हम दोनों चीजें आपको दे देंगे, हमें घर तक जो है छोड़ दिया जाए। घुड़सवार घोड़े से अपने नीचे आया और शेख चिल्ली को घोड़े के ऊपर बैठाला और ईंधन उसने अपनी साइटों में टांग लिया और जाके उनको घर छोड़ दिया। तो रास्ते में शेख चिल्ली जब निकले तो बड़ा खुश होते हुए मस्ती में जा रहे कि हम मैं घुड़सवारी के ऊपर आ रहा हूँ, अब बड़ा खुश। तो घर पहुंचे, माँ ने पूछा कि बेटा आ गए? कहले हाँ माँ आ गए। तो चारों बेटे माँ के आ गए, माँ ने पूछा कि आ गए बेटो? तो कहे हाँ अम्मा आ गए, अब बहुत खुश है, आज बहुत खुश है। क्या हुआ कि अम्मा जो घी लेके आ रहे थे उस घी में तो बच गया घर का घर। क्या कैसे? क्या घी का ढक्कन अम्मा जब हमने खोल के देखा तो उसमें तो आत्मा आ गई थी हमने। तो माँ ने पूछा उस घी का क्या करा? क्या अम्मा जब उसमें आत्मा थी वो घी हमने एक दरिया में डाल दिया। अरे अम्मा कह लेगी ये क्या कर दिया तुमने, सब घी फेंक आया जी। तो कहले अम्मा उसमें आत्मा थी हमने फेंक दिया। तो माँ ने कहा चलो अलग बैठ जाओ। दूसरा बेटा आया, उससे पूछा बेटा घर की बकरी कहाँ है? अरे उनका क्या अम्मा आज मजा आ गया। किस बात का भाई मजा आ गया? क्या अम्मा जंगल में जो कुआं बना हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन कब्बाली हो रही, मैंने एक बकरी डाली, कब्बाल लोग बहुत खुश हो गए और तेज पढ़ने लगे कलाम। क्या दूसरी डाली, तीसरी डाली? तो अम्मा ने क्या फिर क्या हुआ? क्या अम्मा मजा आता रहे और सारी बकरियां हमने कुएं में डाल दी, अब कब्बालों को इनाम दे के चले आए और इनके हरामी तुम भी बैठ जाते। और तीसरे का क्या हुआ? अब तीसरा जो था, रोकना एक मिनट, तीसरे शेख चिल्ली का क्या हुआ फिर? अरे तीसरे शेख चिल्ली का क्या हुआ, जो खेत में वो घास छील लिया था उसे पत्थर मिला और वो सोना समझ के घर पे ले आया कि माँ जो है मेरी बहुत खुश होगी। तो उसने क्या करा, माँ के सामने वो पत्थर रख दिया, माँ से कहने लगा अम्मा ये जो है एक सोने का हमको बहुत बड़ा डेला मिला है और इसे फोड़ के हम लोग जो है सोना निकालेंगे और बड़े मालदार होंगे। तो माँ ने उसे जब देखा तो उसने ऐसे छू के देखा, उसने कहा अरे मेरे बेटे शेख चिल्ली ये सोना नहीं है ये पत्थर है। माँ बड़ी परेशान हुई और बड़ी मायूस हुई, उसने कहा जी मेरे बच्चे कैसे खाएंगे और कैसे कमाएंगे। तो उसने आखिर में पूछा कि मेरा चौथा बेटा कहाँ है, उसको भी बुलाओ। चौथा बेटा घर में आया तो बड़ा मुस्कुराता होगा चौड़े टम 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 पे, क्योंकि माँ ने कहा बेटे तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो? क्या अम्मा आज गाँव में हम जिस गाँव में गए थे वहां पे हमको बहुत ही लोगों ने अनाज दिया, जलाने के लिए ईंधन दिया और अम्मा हम अपने मोंडों के ऊपर ला ला उसे थक गए थे, तो रास्ते में हमको एक घुड़सवार मिल गया जी हाँ। और मैंने उस घुड़सवार से अपनी बात रखी तो घुड़सवार ने कहा कि अनाज और ईंधन जो है वो हमें दे दिया जाए और हम तुम्हें अपनी सवारी करा देंगे। तो अम्मा हम बहुत खुश हुए और थक भी बहुत ज्यादा गए थे। तो माँ ने कहा कि तुम इतना ज्यादा थक गए थे तो सारा सामान तुमने क्या करा? क्या अम्मा हमने उस घुड़सवार को जो था वो दान अपुन कर दिया। अच्छा। तो अम्मा ने क्या लाए क्या बेटा? क्या लाए कुछ नहीं अम्मा, सारा सामान दान पुन करके हम ही चले आए, यही बहुत है। तो माँ ने चारों बेटों को जो लाइन से खड़ा करा
और बाकी किस्सा आपको अगली एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोगों का अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए।